9 न्यूज़ एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ऐसा दाव चला कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल कांग्रेस ने अभी तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। यानी कांग्रेस ने अखिलेश की करल सीट और शिवपाल की जसवंत नगर सीट से किसी को टिकट नहीं दिया। माना जा रहा है कि ऐसा करके प्रियंका अखिलेश को यह संदेश देना चाहती है कि आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए वह सपा के साथ खड़े होने को तैयार है। बता दें कि कांग्रेस ने करल सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा तो था, लेकिन नामांकन के समय उसे पत्र दाखिल करने से रोक दिया गया। हालांकि प्रियंका ने सभी 403 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था, लेकिन अब इन दो सीटों पर किसी को टिकट न देकर प्रियंका का संकेत स्पष्ट दिख रहा है। याद हो चुनाव तैयारियों की शुरुआत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि वह किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बड़ी पार्टियों का स्ट्राइक रेट खराब होता है। इस बात से उनका इशारा कांग्रेस की ओर ही था, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं देखने को मिला था। कुछ समय पहले मीडिया से बातचीत करते समय प्रियंका गांधी ने कहा था कि अगर सपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस इसके लिए विचार कर सकती है। अब प्रियंका गांधी का चाचा भतीजा के सामने कोई उम्मीदवार न उतरना इसे परिपेक्ष्य में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इन कयासों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सपा के मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव, दोनों ने ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली और अमेठी से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, इसलिए कांग्रेस राजनीतिक शिष्टाचार को निभाते हुए यह कदम उठा रही है। वहीं उनका यह कहना भी था कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य है बीजेपी को हराना, इसलिए करल और जसवंत नगर सीट पर लड़ाई कमजोर ना हो जाए, इसलिए वहां से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज के साथ, और विधानसभा चुनाव की हर खबर के लिए देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।